दोस्तों, आर्यन खान केस में एनसीबी की नई टीम ने जांच शुरू कर दी है। संजय सिंह तूफानी अंदाज में जांच कर रहे हैं, मगर इधर आर्यन केस में ही नया और बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। दोस्तों, बड़ा खुलासा हो गया है, क्योंकि पूरी प्लानिंग 27 सितंबर को हो गई थी। 5 दिन इसके लिए स्ट्राइक के लिए इंतजार किया गया, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस केस में आर्यन खान नहीं बल्कि एनसीबी को ट्रैप किया गया। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, एनसीबी को भी जाल में फंसाया गया, और देश की इतनी बड़ी एजेंसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। तो क्या है ये नया ट्विस्ट? कैसे एनसीबी को किया गया ट्रैप, कैसे फंसाया गया जाल में, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, और कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। तो आर्यन खान केस में कुछ लोग लगातार और बार बार कह रहे हैं कि आर्यन खान को फंसाया गया, शाहरुख की मैनेजर से पैसे वसूलने की कोशिश हुई, और यहां तक कि कुछ पैसे वसूल भी लिए गए। और इतना ही नहीं, इन सब के लिए एनसीबी पर समीर वानखेड़े पर गंभीर आरोप भी लगाए गए। मगर अब उसके बाद ये जो नया खुलासा हुआ है, उसके बाद तो एनसीबी सबसे बड़ी विक्टिम नजर आ रही है। दोस्तों, जी हाँ, एनसीबी सबसे बड़ी पीड़ित दिख रही है, क्योंकि उसे भी फंसाया गया, उसे भी ट्रैप किया गया, यहाँ तक कि समीर वानखेड़े तक को ट्रैप किया गया। अब इस नए खुलासे के बाद केस में भी नया ट्विस्ट आ गया। तो आप पहले ये समझिए कि ये नया खुलासा क्या है, फिर आपको नया ट्विस्ट भी बताएंगे। तो आर्यन खान ड्रग्स केस में ही एक और गवाह विजय पघारे ने मुंबई पुलिस की SIT को अपना बयान दिया, और मीडिया रिपोर्ट्स में जो सामने आया वो चौंकाने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय पघारे ने कहा कि इस पूरे केस का मास्टरमाइंड सुनील पाटिल है, और इसके लिए 27 सितंबर को ही प्लान बना लिया था। पघारे के मुताबिक आर्यन खान को एनसीबी के हाथों पकड़वाने का मकसद ही पैसा लूटना, मोटा पैसा लेना, रंगदारी के तौर पर मांगना था। और बड़ी बात यह है कि इस बात का एहसास एनसीबी को भी दूर दूर तक नहीं था, और एनसीबी को भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, यूज किया गया। पघारे के मुताबिक सुनील पाटिल और KP गोसावी के बीच मुंबई के पास वाशी में होटल में मुलाकात हुई, और वो लोग पूजा के बारे में बात कर रहे थे। अब पूजा से मतलब शाहरुख खान की मैनेजर पूजा दत्तलानी से था। यही नहीं, पघारे ने बताया कि इस पूरे प्लान में KP गोसावी और सुनील पाटिल के साथ ही मनीष भानुशाली भी शामिल था, और इन लोगों ने 27 सितंबर को पूरा प्लान बनाया, और फिर 5 दिन इंतजार करने के बाद 1 अक्टूबर को एनसीबी को इसकी खबर दी कि क्रूज में रेप पार्टी होने वाली है, और एनसीबी को बताया कि आर्यन खान भी उस क्रूज पर जा रहा है। अब एनसीबी को कई दिनों से आर्यन खान को लेकर इनपुट्स मिल रहे थे, तो यहाँ पर आर्यन खान का नाम सुनते ही एनसीबी भी एकदम चौकन्नी हो गई। अब एनसीबी को तो अपना काम करना था, ड्रग्स पेडलिंग पर रोक लगानी थी, ड्रग्स के धंधे पर रोक लगानी थी। तो एनसीबी ने तुरंत एक्शन लिया, और तैयारी के साथ जाकर अगले दिन यानी कि 2 अक्टूबर को आर्यन खान को पकड़ लिया। अब आर्यन के पास तो कुछ नहीं मिला, मगर आर्यन के दोस्त अरबाज के पास से एनसीबी को ड्रग्स मिला, और एनसीबी ने दोनों को अरेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर बड़ी बात और समझने वाली बात ये भी है कि पघारे के मुताबिक सुनील पाटिल और KP गोसावी खुद ही प्लान कर रहे थे करोड़ों रुपए वसूलने के लिए, और इसके लिए उन्होंने एनसीबी का भी इस्तेमाल कर लिया था। जी हाँ, लेकिन एनसीबी को इनके इरादों का कुछ भी पता नहीं था। एनसीबी को भनक तक नहीं थी कि आर्यन केस में असली खेल सुनील पाटिल और KP गोसावी की तरफ से हो रहा था। यही नहीं, पाटिल और गोसावी को ऐसा लग रहा था कि जब आर्यन के पास से कुछ मिला ही नहीं है तो आर्यन खान 1-2 दिन में छूट जाएगा, और वो डील के तौर पर शाहरुख खान से, शाहरुख के मैनेजर पूजा से मोटी रकम जो कि करोड़ों में होगी उसे ले लेंगे। मगर यहाँ तो उल्टा खेल हो गया। एनसीबी ने केस ही जबरदस्त बना दिया, बेहद तीखा और सटीक केस बनाया, और हालात ये हो गए कि 1-2 दिन छोड़ो, पूरे 1 महीने बाद ही आर्यन खान जेल से बाहर आ पाया, और इसमें सुनील पाटिल और KP गोसावी का प्लान धरा का धरा रह गया। और उसके बाद धीरे धीरे इनके खुलासे भी हो गए। अब नया ट्विस्ट ये है दोस्तों कि इस पूरे केस में एनसीबी को भी जाल में फंसाया गया। जी हाँ, एनसीबी को पूरे केस में फंसाया गया, एनसीबी का इस्तेमाल किया गया, समीर वानखेड़े का इस्तेमाल किया गया, और ये पूरी प्लानिंग पाटिल
और गोसावी की तरफ से हो रही थी। अब एनसीबी इस पर भी कार्रवाई कर सकती है। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि आर्यन खान को यहाँ पर कोई राहत मिलने वाली है, बल्कि हालत तो ये है कि एनसीबी अब दोगुनी ताकत से आर्यन खान पर भी एक्शन करने वाली है, क्योंकि आर्यन के खिलाफ केस हो चुका है, बाकी सारे सबूत गवाह जुटाने हैं। कई लोगों से पूछताछ आगे हो सकती है और वो लगातार आगे चलती ही रहेगी, लेकिन साथ ही साथ एनसीबी के नाम पर पैसे उघाने, पैसे वसूलने के मामले में भी एनसीबी बड़े एक्शन की तैयारी में है, और हो सकता है कि सुनील पाटिल, केपी गोसावी समेत इन लोगों पर बड़ा एक्शन हो जाए। अब पगारे को समझे तो कुल मिलाकर इस पूरे केस में आर्यन खान के लिए जाल बिछाया गया था, और इसका सीधा मतलब पैसा वसूलना था, और एनसीबी को भी धोखे में रखकर पूरा प्लान रखा गया। अब आर्यन तो फंस ही गया, और ऊपर से केपी गोसावी के साथ साथ सुनील पाटिल के भी फंसने की पूरी पूरी संभावना दिख रही है। वैसे हम तो यही कहेंगे कि जल्द से जल्द पूरे मामले का, पूरे इंसिडेंट का खुलासा हो, जिससे पता चल सके कि आखिर वहां हुआ क्या था, एनसीबी की जब वहां रेड हुई तो वहां पर क्या हुआ, और असली और पूरा सच क्या है, वो सबके सामने आ जाए। तो आपका इस नए ट्विस्ट पर, नए खुलासे पर क्या कहना है दोस्तों? एनसीबी कितनी विक्टिम है इस केस में? इस नए मामले पर, नए अपडेट पर आपका क्या कहना है? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें, और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। क्या सच में शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी ने आर्यन खान को बचाने के लिए 50 लाख रुपए दिए थे? अगर उन्होंने 50 लाख दिए थे तो फिर उन्होंने अपने पैसों को वापस क्यों ले लिया? दरअसल इन सवालों का जवाब मिलते ही इस केस में आर्यन के साथ साथ शाहरुख खान और उनकी मैनेजर पूजा ददलानी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ड्रग्स केस के गवाह प्रभाकर सैल ने ये सबसे पहले दावा किया था कि शाहरुख के मैनेजर ने किरण गोसावी को 50 लाख रुपए टोकन मनी के तौर पर दिए थे। अब तक ये दावा करने वाला वो अकेला शख्स था, लेकिन अब सैम डिसूजा ने भी ये खुलासा किया है कि शाहरुख की तरफ से आर्यन को बचाने के लिए 50 लाख रुपए किरण गोसावी को दिए गए थे। दरअसल जब आर्यन एनसीबी ऑफिस में थे तो इस दौरान उन्होंने किरण गोसावी को अपनी मैनेजर पूजा ददलानी का नंबर दिया था। किरण ने तब एनसीबी ऑफिस से बाहर निकलकर पूजा को फोन किया और आर्यन को लेकर 25 लाख की डील करने लगा। उसने कहा कि सिर्फ वही है जो आर्यन को बचा सकता है। तब पूजा ने सैम की मदद से गोसावी के साथ ये डील की और उसे 50 लाख दे दिए, लेकिन अगले ही दिन उन्हें ये लगने लगा कि गोसावी सिर्फ उनके पैसे लूट रहे हैं, इसीलिए उन लोगों ने दबाव बनाकर गोसावी से 38 लाख रुपए वापस ले लिए। ये दावा सैम ने अपने एक इंटरव्यू में किया है। एनसीबी को पता भी नहीं चला, लेकिन उनकी नाक के नीचे ये पूरी डील होती रही। इसमें समीर वानखेड़े का नाम घसीटकर उन्हें भी फंसा दिया गया। फिलहाल तो अब इस पूरे मामले की जांच मुंबई पुलिस कर रही है। अब देखना होगा कि इन आरोपों के बाद पूजा से कोई पूछताछ होगी या फिर इस मामले को दबा दिया जाएगा।